Okay guys, before we start this thing, we want to condemn this ugly episode happened in Delhi. Delhi ka kanjhawala, unhone ek ladki ki scooty se टक्कर पहले उसे मारी। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है और उसके बाद उसकी कुचल कर हत्या कर दी। When we heard about this, it was so shocking. Still, the investigation is going on, and whomsoever is guilty should get the punishment. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, पर हाँ, जब ये न्यूज सुनी तो पूरा देश चौंक गया था। We keep on talking about this. We will update you and we will talk about it. We are not going to ignore this. But yeah, this lighthearted series, which is actually featuring the issues related to men, aapke liye. Pyar ki raah mein. Okay guys, one more time, anger issues. No, ye proven hai. और रिसर्च की गई है बकायदा कि औरतों को आदमी से ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। एंड यू कैन सी सो मेनी एग्जांपल इन लखनऊ, शी वाज बीटिंग एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बहुत कूद कूद के मारा गया था, वीडियो वायरल हुआ था, गाय वाज एम्बैरस्ड। आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई। मैंने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और उसके बाद बहुत सारा ड्रामा भी हुआ, मुझको बंद कर दिया 24 घंटे, ये बाहर क्यों है? फिर किसी रिक्शे वाले को मार दिया, किसी रोड साइड वेंडर को मार दिया, किसी इसको कभी इसको। पूरा देश जब दिवाली का जश्न मना रहा है, तब लखनऊ में एक महिला गरीबों की दुकानों पर जमकर डंडे बरसाती नजर आ रही है। ये चीजें बढ़ती चली जा रही है और फिर वो लोग जिनकी पिटाई होती है वो बहुत अक्षम लोग होते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है ज्यादा, तो वो अपने आप को ढंग से डिफेंड भी नहीं कर पाते। वन मोर इंसिडेंट हैपेंड, अ जनरल स्टोर ओनर शफीक रजा, इनकी एक महिला से कॉन्फ्लिक्ट हो गई, उन्होंने इन्हें थप्पड़ मार दिया और उसके बाद इनको हार्ट अटैक आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस पीपल कांट डिफेंड देमसेल्व्स एंड व्हेन दे वेंट थ्रू दिस काइंड ऑफ अ क्रुएलिटी, उनके पास कोई रास्ता उनको नहीं दिखता। So that is so wrong here. आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया। And on the other side, people will appreciate these women as a warrior, which is so wrong. Think about it. क्या यही गुनाह है मेरा? And one more time on a light-hearted note, remember the scene of Golmaal 3. मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी, इसीलिए मुंह छुपा रहा हूँ, समझते नहीं हो तुम? Okay, okay. और तू, ब्लू शर्ट? इसकी माँ जिसके साथ भागी थी, वो मेरा बाप। ये फिल्म थी और सच में ऐसी कुछ सिचुएशन रियल लाइफ में भी आ गई। वो इसके साथ भाग गया और वो उसके साथ भाग गई। शादीशुदा एक महिला और एक पुरुष भाग गए हैं और ये महिला है जिनके पति भाग गए हैं और ये पुरुष है जिनकी पत्नी भाग गई है। दोनों में अफेयर चल रहा था, काफी पुराना अफेयर था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वन मोर डिस्टर्बिंग वीडियो एंड अ रियली सैड स्टोरी वेंट वायरल दिस वीक। लोगों के सामने नहीं आती है बातें। हिज नेम इज सचिन एंड इट वाज सो सैड। ही लव्ड अ गर्ल, उसने कुछ पैसे दिए, उसके बाद लड़की ने उससे शादी करने को मना किया। ही मेड अ वीडियो एंड ही कमिटेड सुसाइड। एंड नाउ दिस केस गाइस, दिस इज समथिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्राइम हैज नो जेंडर। ये घटिया काम कोई भी करे उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ब्लैकमेलिंग समवन ओवर द पिक्चर्स, गेटिंग इट। यहाँ पे एक बहन दूसरी बहन को कर रही है और पैसे भी मांग रही है। दिस हैपेंड, ये हुआ है। वन मोर इनक्रेडिबल थिंग, and you can blame Mr. Ajay Devgan over it, or you can blame all these three. Let me tell you, you know, ये जुबा केसरी वाले लड़कों को हमेशा पकड़ते हैं, भाई का मीम बन गया कानपुर स्टेडियम में। आज तक ये भुगत रहा है कि आदमी खा के पिचकारी मारते हैं, ये वो। ये तो कुछ समझ के परे है। दिस इज समथिंग डिफरेंट केजरीवाल जी, बिल्कुल ही समझ के परे है कि एक लेडी को ये गुटखा पान मसाला कंज्यूम करने की बहुत आदत थी। बोलो जुबा केसरी। तो आदमी परेशान हो गया, पता चला वो शराब पीने के साथ गुटखा खाने की आदी है। ये सब कुछ जानकर परिवार वालों ने लड़की को समझाया। आरोप है कि इसके बाद भी वे नहीं मानी और ससुराल वालों को डराना शुरू कर दिया और घर वालों ने कहा यार प्लीज आप छोड़ दो। तो उस औरत ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। इतना क्या प्यार है विमल से? क्या यही गुनाह है मेरा? जानकारी के मुताबिक कोरबा के फैमिली कोर्ट ने तलाक के लिए दायर पति की याचिका खारिज कर दी थी। शी इज सेफ एंड साउंड, डोंट वरी अबाउट हर, बट हर हस्बैंड वांटेड अ डिवोर्स। की बहुत गुटखा खाती है जज साहब।
एंड रिसेंटली वी हर्ड अबाउट मिस्टर ऋषभ पंत, प्लीज उनके वीडियोस और पिक्चर शेयर मत करिए, बस प्रे करिए वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। लेकिन इसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगों ने यूज किया जो कि बहुत घटिया है। एंड यू वोंट बिलीव दैट शी वाज चेजिंग हिम फॉर सो लॉन्ग। उसकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो आप कुछ पोस्ट कर दो तो फॉलोअर्स का ध्यान आपकी तरफ लग जाएगा, समझ रहे हो? इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स। और फिर सब लोग बात करने लगेंगे, सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड होने लगते हैं और ये सारी बात है। ही इज हैविंग एन एक्सीडेंट एंड शी इज पोस्टिंग लाइक दिस। ये तब से चल रहा है जब से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। इफ यू रिमेंबर शी पोस्टेड दिस फॉलोइंग माय लव। बट व्हेन समवन इज हर्ट यू हैव टू शो सम सेंसिटिविटी। कम ऑन, टेबल को 360 डिग्री टर्न कर दो और जेंडर को बदल दो तो पता नहीं उस बंदे को कितनी गालियां पड़ती। सो या गाइस, दिस इज ऑल गोइंग ऑन व्हिच इज एक्चुअली सोसाइटी इज नॉट लुकिंग एट। सो इट्स अ शो डेडिकेटेड फॉर मेन। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। वन मोर टाइम, लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो करना।